हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हो टेक्निकल डीएमडी। दोस्तों, अगर आप लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहे तो, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है जिस पर आप लोग अनलिमिटेड टाइम तक स्क्रीन रिकॉर्ड कर सको, हाई क्वालिटी में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सको, तो मैं आपको इस वीडियो में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ जो 100% फ्री है। यहाँ पर आप लोग 4K तक स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सारे बेसिक फीचर्स फ्री में देखने को मिल जाते हैं, हाईलाइट कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको एक पे वर्जन में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहो, मैं आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को यूज करना है। और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, इस स्क्रीन रिकॉर्डर की लिंक नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे वहां से आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको डिटेल से बता देता हूं किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो सबसे पहले उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे कि दोस्तों आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा किसी भी एरिया को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, फेस कैम के साथ भी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो अनलिमिटेड दिया जाता है। आप लोग HD क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी लैगिंग के। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल ओकेशन जैसे वर्क, एजुकेशन, गेम, पर्सनल और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोग को इस रिकॉर्डर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो रिकॉर्डर है वो आप लोगों को विंडो 10, 11, 7, 8 सबके लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कुछ इसके हाईलाइट फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में आप लोग को डिटेल से बताया हुआ है। आप लोग देख सकते हो और अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हो कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैप्चर कर सकते हो, फेस कैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नो लैगिंग विद HD रिकॉर्डिंग। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल फॉर्मेट दिए हुए हैं। उसके साथ साथ आप लोग रिकॉर्डिंग के समय ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रिकॉर्डिंग करते समय ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करते समय यहाँ पर आप लोगों को विंडोज में देखने को मिल जाता है और बहुत ही आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के लिए सिंपली से आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर या फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोग अगले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां से दोस्तों आप लोग इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये देख लीजिए यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये 60 MB का करीब जो एप्लीकेशन है या फिर बोले जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए पूरे तरीके से। उसके बाद दोस्तों मैं जल्दी से सब कुछ कर लेता हूँ, अब मैं आपको ओपन करके बताऊँ किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करोगे सिंपली से आपको इस तरीके से जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आपके लैपटॉप में अगर अच्छे खासे जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं है तब भी आप लोग इसे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने प्रो मोड लिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले फुल स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक कोई रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, मान लीजिए आपको इतने का केवल स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर चाहो तो फ्लेक्सिबल रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर 16:9 रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से दोस्तों आप लोग फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। यहीं पर दोस्तों आप लोग स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहीं से आप लोग माइक को कर सकते हो, माउस को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके साथ वेबकैम को भी यहीं से आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करोगे, सेटिंग में जाओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहले जनरल सेटिंग देखने को मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग वर्जन सिलेक्टेड होगा इसके। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग जो पाथ है वो चेंज कर सकते हो रिकॉर्डिंग का, जैसे कि यहाँ पर चेंज अभी विंडो सी में, आप लोग चाहो तो किसी दूसरे में भी इसे सेव कर सकते हो। जैसे मैं 10 PC में गया, 10 PC में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर जो चाहो उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप लोग जो चाहो उसको सेट कर सकते हो। डी ड्राइव में जैसे मैंने कर दिया तो डी ड्राइव में अभी सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड स्पीकर पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी इसे चेक और अनचेक करना है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माउस का हाईलाइटिंग फीचर दिया हुआ है और एड क्लिक एनिमेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पर रिकॉर्ड विदाउट वाटरमार्क और रिकॉर्ड विथ वाटरमार्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसे भी टिक और अनटिक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग चाहे तो काउंटडाउन चले जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो इसे भी चेक और अनचेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को सेटिंग देखने को मिल जाती है रिकॉर्डिंग की। वहीं दोस्तों नीचे की साइड जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेबकैम का भी ऑप्शन देखने को मिल
जाता है। फॉर्मेट की बात करें तो आप लोग यहाँ पर ओरिजिनल साइज और आप लोग चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, यानी 4K तक आप लोग इससे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर्मेट की बात करें तो MP4, AVI, FLV, MKV यानी बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। फ्रेम रेट भी आप लोग यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो और बिट रेट भी सेट कर सकते हो, यानी सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो फॉर्मेट की बात करें तो ये भी दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, MP3, AC3, और यहाँ पर बिटरेट भी चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी, स्टीरियो चैनल भी चेंज कर सकते हो। वहीं स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट के आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनको आप लोग चेंज भी कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर हम लोग हॉटकी की बात करें तो F9 से जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी, आप लोग चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। और वहीं दोस्तों पॉज की बात करें तो F10 से होगी, यानी यहाँ पर स्क्रीनशॉट F11 से ले सकते हो आप लोग, और इनेबल डिसेबल वेबकैम ड्यूरिंग अल्ट्रा प्लस F12 से कर सकते हो। इस तरीके से जो भी आप लोग यहाँ पर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो रिकॉर्डर है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर काउंटडाउन चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो काउंटडाउन चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबसे अच्छा फीचर ये देखने को मिल जाता है डूडल्स। यहाँ से दोस्तों अगर आप लोग किसी को ऐसे हाईलाइट करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कोई भी पेंसिल या फिर कुछ भी सिलेक्ट कर लो, उसके बाद इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला कलर चुना है तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से यहाँ से इसे चुन सकते हो और यहाँ पर सर्कल के द्वारा या किसी के भी द्वारा हाईलाइट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिसे आप लोग यूज कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रिकॉर्डर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी आप लोग इसे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो आ गई है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। और स्क्रीनशॉट लेके मैंने पहले किया था तो स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाएंगे आपको, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यही कि जैसे आपने रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ओपन किया तो प्ले कर सकते हो, वहीं साइड में आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। तो जैसे दोस्तों आप लोग रिकॉर्डिंग को एडिट करना चाहो तो वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करोगे तो जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो एडिट करने के लिए ओपन हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो ओपन है वो हो चुकी है। यहीं से दोस्तों आप लोग इसे क्रॉप कर सकते हो, यहीं से आप लोग कुछ पार्ट कट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसको इस्तेमाल करके आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और चाहो तो आप लोग इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो जिसमें आपको और ज़्यादा अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। जब आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है वो एडिट हो जाए तो सिंपली से आपको एक्सपोर्ट कर देना है, तो उसके बाद आसानी से आप लोग इसे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिंपली से मैंने इसे कट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रीमियम वर्जन लेने के लिए फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो 7 तारीख को मेरा एक्सपायर होना है, 180 दिन अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरा प्रो वर्जन है और यहीं पर आपको फ्री वाला भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसे यूज भी कर सकते हो और चाहो तो प्रीमियम भी ले सकते हो। इसकी लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पे करते हो तो आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में तो नहीं मिलते हैं, अगले नेट पर साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।